ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आप सबका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और जो आज बात करनी है मुझे, वो जो मैंने 1 या 2 दिन पहले शायद पोस्ट करी थी अपनी फोटो, तो उसके रिगार्डिंग है कि कैसे एडिट होती है। यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, इजी है। बस मैंने यहाँ ज़मीन मैट कर रखी है, किसी और बैकग्राउंड की लगा रखी है यहाँ पे, तो ये आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद मैंने कार और ये सब ऐड करे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और थोड़ा शेडो ऐड कर रखी है बस। तो और उसके बाद यहाँ पे ये शेडो डाउन कर रखे हो कब से नहीं पता, तो आप पहले की वीडियोस ज़रूर देख सकते हो, उनमें बहुत करा है मैंने। और उसके बाद फिर मैंने फायर ऐड कर रखी है कार के ऊपर, जस्ट सिंपल कर्व से थोड़ा मैंने उसे वो कर रखा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है, ये तो इसे कर्व से जैसे ही नीचे करेंगे तो ये हट जाएगा। तो कर्व से तीनों में मैंने ऐसे कर रखा है हटाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आती है रिम लाइटनिंग। रिम लाइट नहीं करी अभी मैंने, यहाँ कर रखा है ज़मीन पे थोड़ा सा पेंट कर रखा है। ओपेसिटी आपको 10 लेके जानी है, और फिर इन्हीं फायर में से सैंपल लेना है कोई, ठीक है, और फिर ज़मीन पे ऐसे धीरे धीरे पेंट करना है, ठीक है। तो उससे ये ऐसी लाइटें ड्रॉ हो जाएंगी आपकी, और उसके बाद डुप्लीकेट कर देना जस्ट। उसके बाद फिर अपने आप को मैंने अप्लेस करा था, और जैसे कि पता है कि यहाँ पे थोड़ा मैं सेचुरेशन लो कर देता हूँ हमेशा अपनी फ़ोटो की, सेचुरेशन -36 कर दिया। कर्व से मैंने अपने आप को मास्क कर रखा है फेस को बस, और वो चीज़ हटा दी है, क्या कहते हैं हम, कि फेस का ग्लो ना जाए, जस्ट मैंने वहाँ पे ग्लो रखा है, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे अब रिम लाइटनिंग ड्रॉ करनी चालू करी है। कर्व से मैंने यहाँ RGB, जब आप इनके साथ प्ले करेंगे ना कुछ ऐसा, आपको जो भी कलर चाहिए होगा, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी चाहिए होगा, आप जो भी कलर पे जा सकते हैं, और फिर आपको कुछ एक यूनिक कलर जो भी आपको पसंद आता हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे को ये कलर चाहिए था तो मैंने इसको ही कर रखा, और यहाँ पे ये धीरे धीरे लाइटनिंग इस वो कर रखी है, आउट कर रखी है, यहाँ से निकाल रखी है, स्कल्प्ट बोलेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ ओपेसिटी 10 लेके आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ, तो यही चीज़ है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं आप इजीली, ऐसे स्कल्प आउट करते हैं हर चीज़ को। वैसे आज कोई पोस्ट नहीं डाली है मैंने अपने पेज पे, सो थोड़ा मूड सही नहीं है, आज बनाने तो बैठा था लेकिन बनी नहीं कोई सही से फ़ोटो, तो इसलिए मैंने पोस्ट नहीं करी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नाइट फ्रॉम डे यूज़ कर रखा है, सिंपल लट है, और फिर जस्ट अपने फेस को मास्क आउट कर रखा है, आप देख सकते हैं मैंने फायर को भी मास्क कर रखा है अच्छे से, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता नाइट वाले लट से मेरे फायर थोड़ी डैमेज हो और उसकी इंटेंसिटी कम हो, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें आप हमेशा सीखते जाएं कि क्या क्या नहीं करना है, ये ऐसे ही अगर इसे हटा देता हूँ। फिर यहाँ क्रेन के ऊपर मैंने लाइटनिंग ड्रॉ कर रखी है, ईजी है, रिंग लाइट जैसे ही ड्रॉ करते हैं वैसे ही है, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी कलर सैंपल लेना है, जैसे जैसे ये लाइट्स हैं, ये वाला कलर ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे ढूंढनी है कोई भी एक सही सी जगह जहाँ मैं ब्रश आउट कर सकूं, जैसे ये हो गई जगह, ये है जगह। तो जब आप यहाँ से ऐसे ब्रश आउट कर लेंगे इजीली, और आपकी जब लाइट इतनी दूर हो जाएगी कम से कम, तो फिर आप फिल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर डाल देंगे तो वो सब एक में ही हो जाएगा, कोई अलग नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं सब उसी में ही मर्ज दिखता है, ठीक है। तो यहाँ ये रिम लाइट ड्रॉ करने का इसमें ये था। उसके बाद फिर मैंने कार पे भी ऐसे ही सेम रिम लाइट ड्रॉ कर रखी है,
कोई ज़्यादा हाई फाई काम नहीं कर रखा, ये बस तीन अलग अलग लेयर में मैंने कर रखी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा डीप वर्क करता हूँ आपके अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जैकेट पे मैंने रिम लाइट वैसे ही ड्रॉ कर रखी है, और ये थोड़ा उसके लिए था कि मेरे को आइडिया मिल जाए कहाँ कहाँ लाइट डालनी है बस। तो इसमें भी सेम ही कर रखा है मैंने, कोई ज़्यादा अलग नहीं कर रखा। सैंपल लेते हैं करके दिखाते हैं आपको। यहाँ की ओपेसिटी 10 नहीं रहेगी क्योंकि आपको सॉलिड वो चाहिए शेप्स, तो यहाँ और कम रखें जितने। हाँ इतना सही है। तो फिर जो भी आपको ऐसे जैसे आपने स्ट्रोक कराया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ मैंने ये अचीव कैसे कर रखे हैं, ये चीज़ है। तो मैंने इरेज़र दोबारा यूज़ कर लिया, और इरेज़र से मैं इरेज़ कर देता हूँ हर पार्ट को जो मुझे नहीं चाहिए होता है। तो वहाँ एक अच्छी सी शेडो क्रिएट हो जाती है, और यही है एक पूरा हार्ड एंड फास्ट तरीका ईजीली करने का अगर मुझे यहाँ चाहिए। और फिर मैं इरेज़र से इरेज़ कर दूँगा इसे दोनों साइड से, तो वहाँ एक लाइट क्रिएट हो जाएगी ईजीली से। ठीक है, तो मेन यही था इसका, और बाकी सब ऐसे ही है। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ 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 यहाँ। अभी थोड़े दिन में मेरा कंप्यूटर बिल्ड हो जाएगा, तो फिर मैं आपके लिए फुल ट्यूटोरियल डालूँगा। रिकॉर्डिंग्स होंगी 4-4 घंटे की, तो आप देखना होगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे को ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ट्यूटोरियल को। और यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करके गलती कर दी थी, यहाँ मुझे अलग तरीके से ड्रॉ करना था लाइक ऐसे, और मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ड्रॉ कर दी थी। तो रिम लाइट आप इसको ही माने क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो रही है हेयर्स में, और हुसैन एडिटोग्राफी था ब्रो जिसने मुझे पॉइंट आउट करा था इस मिस्टेक के लिए। तो ब्रदर ऐसे होगी वो यहाँ पे, अगर आपको रिम लाइट ड्रॉ करना स्टेप जल्दी जल्दी किसी से, तो मैंने कैसे भी रिम लाइट बना दी। और ये रिम लाइट बनाने का बहुत इजी ट्रिक है, जब आप हेयर्स की बना रहे होते हो तो ब्रश लेने का, और बहुत ही सिंपल सिंपल धीरे धीरे स्ट्रोकिंग करनी है चाहिए। तो जब आप करते जाएंगे ना तो आपकी रिम लाइट ड्रॉ होती जाएगी वहाँ से धीरे 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 धीरे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इतने प्यारे से रिम लाइट ड्रॉ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो वही है, जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उतनी आपकी अच्छी दिखेगी फ़ोटो। तो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा था अपनी फ़ोटो के ऊपर, और उसके बाद जस्ट वैसे ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये मैंने फ़ोटो में डाल रखा है। और उसके बाद यहाँ नीचे ग्लो डाल रखा है, ये आप कलर डॉज मोड में देख सकते हैं, और जस्ट नीचे पेंट करा हुआ है, और यहाँ अंडरलाइन लेयर से स्प्लिट कर रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट कर रखा है कि थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, और इसकी मैं डायरेक्ट PNG दे दूँगा आपको। इसकी आपको डायरेक्ट PNG मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैंने फैंस ऐड कर रखी थी, फैंस मुझे फ्रंट में ऐड करनी थी और वो बैक में चली गई थी ज़्यादा, और वहाँ से ये जितनी भी रिफ्लेक्शंस थी वो इसके ऊपर आ गई, तो फ़ोटो में नोटिसेबल नहीं है इतनी, लेकिन है नोटिस में वो अभी भी अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे। तो इसलिए ये देखिए, जब मैंने यहाँ करा था तो ऐसे ये ऊपर आ गई थी, और अगर नहीं करता तो ऐसे अंदर चली गई थी। तो बजाय आप फैंस हटाए दिए वो बेटर रहेगा, यूज़ ना करें इतना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो शेडो को अंदर कर दें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ मैंने एक थोड़ा सा और ग्लो बनाया था, ग्लो सॉफ्ट लाइट के थ्रू और वाइट ब्रश के थ्रू मैंने जस्ट हल्का सा पेंट कर रखा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने फेस के ऊपर भी ग्लो डाला है, ओवरले में वाइट ब्रश से पेंट कर रखा है मैंने। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ मैगजीन बना रखी है हाथ में, तो ये मैगजीन बनानी मेरे को ज़रूरी थी, ये जस्ट ऐसे ही बना रखी है मैंने मैगजीन, बहुत सिंपल है। बना के ही बता देता हूँ मैं आपको।
जब आप ऐसे कोई चीज़ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और फिर वाइट सॉफ्ट ब्रश लीजिएगा और जस्ट उसके एजेस पे कर दीजिएगा, तो आपको एक फैदर्ड लुक मिल जाएगा। और उसी को जब आप मास्क आउट कर देंगे इजीली तो ऐसा आ जाएगा वो। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पे चीज़ें बनाने की, कभी जल्दी बनानी हो और ना हो। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ वाइटनेस ऐड कर दी थी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, और फिर लास्ट पार्ट था ये ग्लो। ये ग्लो भी सिंपल है, बस ब्रश से मैंने इधर उधर 10% ओपेसिटी से पेंट कर रखा, और लेकिन इतना ज़्यादा पेंट कर दिया था कि ये पेंट मेरे ईयर्स तक आ गया था। और फोटो में जब ओरिजिनल आउटपुट क्रिएट हुआ था तो ये कुछ बन गया और ये कुछ बन गया, तो ये बड़ा बेकार लगा मुझे। और ये नहीं था, ये बाद में एडअप करा है मैंने इस पे। तो यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से, तो आप इस मिस्टेक को ना करें, 10% ओपेसिटी देख के करें। और फिर ये स्मोक था और जस्ट कलर ग्रेडिंग थी सिंपल वाली, इतनी हाई फाई भी नहीं थी इस पॉइंट पे, लेकिन सही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ कुछ कर नहीं रखा है, ब्लैंक है। और फिर थोड़ा ब्लू को एनहेंस करा था और अपने फेस पे से थोड़ी येलोनेस कम कर दी थी, वो जो चीज़ थी उसकी जो यहाँ पे ये पड़ रहा है। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा यार, ये ट्यूटोरियल इतना वो नहीं था, एक्सप्लेनेटरी है तो इजी था बनाना। तो आप भी ट्राई आउट कर सकते हैं, अगर पीएसटी चाहिए तो ग्रुप में ज़रूर।